अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है, हम फैक्टर्स डिस्कस कर रहे हैं विस्कोसिटी के। हम मॉलिक्यूलर शेप के डिस्कशन कर रहे थे कि अगर आपके पास मॉलिक्यूलर की सिमेट्री जो है वो इररेगुलर हो, यानी इररेगुलर फॉर्म में आपके पास मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहे हों, तो उनकी विस्कोसिटी जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो किसी भी जगह से एक दूसरे से अटैच हुए होते हैं। अगर रेगुलर सिमेट्री वाले मॉलिक्यूल्स की बात करें, जैसे वाटर मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, तो उनमें विस्कोसिटी आपके पास जो होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू अदर मॉलिक्यूल्स। उसके बाद आ जाती है एडहेसिव फोर्सेस। एडहेसिव फोर्सेस हमारे पास जो है वो फोर्सेस होती हैं जो आपके पास जो होते हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान में एग्जिस्ट कर रही होती हैं। ठीक है, दो डिफरेंट फेजेस के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, एडहीन जिसको हम कहते हैं ना, वो एग्जिस्ट कर रही होती है। अगर आपके पास स्ट्रॉन्गर एडहेसिव फोर्सेज होंगी तो विस्कोसिटी लिक्विड की ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगी। फिर आती है कोहेसिव फोर्सेज। कोहेसिव फोर्सेज आप कह लें कि आपके पास वो वाली फोर्सेस होती हैं जो के वॉल ऑफ कंटेनर के साथ एग्जिस्ट कर रही होंगी, यानी कि मॉलिक्यूल्स हैं और वॉल ऑफ कंटेनर है, उन दोनों के दरमियान में जो आपके पास फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही हैं वो कोहेशन या फिर कोहेसिव फोर्सेस। अगर वो आपके पास फोर्सेस ज़्यादा होंगी, ठीक है, तो आपके पास जो विस्कोसिटी है ना वो थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, यानी कि वो फोर्सेस ज़्यादा आ रही हैं, ज़्यादा एग्जिस्ट कर रही हैं, तो आपके पास विस्कोसिटी लिक्विड की कम हो जाएगी। अगर हम बात करें एप्लीकेशंस ऑफ विस्कोसिटी के, विस्कोसिटी की क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं, तो विस्कोसिटी को हम लोग जो है वो यूज़ कर सकते हैं क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग के लिए। यानी कि सिरप्स आपने बनाए, ठीक है, आपने चेक करना है कि कितनी इसकी थिकनेस है, कंसिस्टेंसी कितनी है, कितने थिक हैं। इसी तरह सिर्फ सिरप नहीं, जितने भी आपके पास लिक्विड डोजेज फॉर्म है, आपके पास एलिक्सर्स हो गए, टिंक्चर्स हो गए, ठीक है, तो उनकी विस्कोसिटी को आपने चेक कर सकते हैं विस्कोसिटी को विस्कोमीटर की मदद से। ठीक है, ये क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग में आ जाते हैं। फिर इसके अलावा आप उसकी प्योरिटी चेक कर सकते हैं कि आपके पास जो रॉ मटेरियल आया लिक्विड के फॉर्म में तो वो कितना प्योर है, प्योर नहीं है, किस तरीके के फॉर्म में जो है आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप जो है इसमें देख सकते हैं। इसके अलावा क्या होते हैं, आपके जो विस्कोसिटी होती है वो आपको लिक्विड की थिकनेस बताती है। जैसा मैंने पहले बात की थी कि विस्कोसिटी हमें बेसिकली क्या बताती है, कि कोई भी आपके पास जो सब्सटेंस है वो कितना गाढ़ा है। ठीक है, तो इन चीज़ों में आपके पास ये इन्वॉल्व होती है। फिर इसके अलावा आपके पास जो होते हैं ये ऑयल वगैरह के जो इंजेक्शन होते हैं, जिसमें आपके पास ऑयल जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है, सस्पेंशन वगैरह, तो उसमें भी आपके हेल्प आउट करती है। ओके, उसके अलावा आ जाते हैं कि ये आपके पास जो कैस्टर ऑयल वगैरह हैं, ठीक है, इनको डिटरमिन आप कर सकते हैं। इसके अलावा विस्कोसिटी इन्हांसर्स, कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो जिन लिक्विड्स की विस्कोसिटी कम होती है तो उनको इन्हांस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे मिथाइल सेलुलोज, HPMC होगी, हाइड्रोक्सीथाइल सेलुलोज वगैरह हो गई। ये आपके पास जो है वो ऑप्थैल्मिक सॉल्यूशन, जो यानी ऑप्थैल्मिक सॉल्यूशन का मतलब होता है आइज़ के लिए जो भी मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है ना, उनकी बात हो रही है, तो उनके लिए जो है वो आपने विस्कोसिटी उनमें इन्हांस करनी होती है, इंक्रीज़ करवानी होती है, तो आप विस्कोसिटी इन्हांसर्स उसमें ऐड करते हैं ताकि वो विस्कोसिटी को इंक्रीज़ करवा दें। अब ये क्यों बनाते हैं, ताकि आपके पास जो आप फॉर्मुलेशन बनाइए ना आँख के लिए, वो ज़्यादा देर तक आँख में टिकी रहे। अब बिल्कुल पानी की तरह होगी तो वो तो आँख में टिकेगी नहीं, फ़ौरन से जल्दी से अब्जॉर्ब हो जाएगी, तो थोड़ी देर के लिए उसको रखने के लिए, उसकी एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करवाने के लिए, ठीक है, ज़्यादा देर तक उसका इफेक्ट शो करने के लिए, हम जो है उसके अंदर विस्कोसिटी इन्हांसर्स डालते हैं ताकि वो प्रॉपरली वर्क कर सकें।